अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज है 20 सितंबर और यकीनन बेशुमार बच्चों को इंतजार होगा। यूएचएस लाहौर ने आज इश्तिहार जारी करना था, लेकिन आपको देने लगी है एक ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये है कि आज यूएचएस का कोई इश्तिहार किसी भी अखबार में नहीं आया। इससे बड़ा धमाका आपके लिए है, वो ये है कि आपको पता होगा यूएचएस लाहौर ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का ऑफिशियल पेज है, ये 5 सितंबर की ये वीडियो है, मैंने आपको बताई थी, और यूएचएस ने अपना ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया था फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। और आपको बताते चले, एमडी कैट के लिए यहां टेस्ट डेट 18 अक्टूबर दी गई थी, और यहां पर दिया गया था कि आपका जो अखबार में इश्तिहार है, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो 20 सितंबर को आएगा। ये पोस्ट यूएचएस ने अपने तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी है, ये आज की बड़ी खबर है। एंट्री टेस्ट 18 अक्टूबर की जो डेट दी गई थी, इस पोस्ट को फेसबुक से डिलीट कर दिया गया है, इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया है, यूएचएस ने अपने तमाम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, और आज अखबार का कोई इश्तिहार नहीं आया। आप देख सकते हैं ये यूएचएस लाहौर का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, और यहां पर आप लोगों को बता देते हैं कि 5 सितंबर को यह पोस्ट की गई थी, जबकि यह 11 सितंबर की पोस्ट है। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो 5 सितंबर की पोस्ट यहां से डिलीट कर दी गई है, जिसके अंदर यूएचएस एमडी कैट की डेट 18 अक्टूबर बताई गई थी। तो यह चीज जाहिर करती है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के आने से एंट्री टेस्ट लेट हो सकता है। अब एंट्री टेस्ट के लिए आज इश्तिहार भी आना था, वो भी नहीं आया। रजिस्ट्रेशन कल 21 सितंबर से शुरू होनी थी, वो भी अब रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगी। तमाम स्टूडेंट्स इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये है एक बड़ी खबर। यूएचएस लाहौर ने एमडी कैट के लिए जो इश्तिहार अपने फेसबुक पेज पर दिया था, उसको भी डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, एक बड़ी खबर है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।